मास्टरबेशन से मुक्ति पाने के लिए क्या उपाय हो सकता है? सवाल यह आया हुआ है कि प्लीज सजेस्ट अस ए प्रैक्टिकल मेथड टू ओवरकम मास्टरबेशन हिंदी। मास्टरबेशन क्या है? मास्टरबेशन लड़के भी करते हैं, लड़कियां भी करती हैं। मास्टरबेशन आत्मरति, आत्ममैथुन भी कहते हैं इसको। ये आदमी क्यों करता है? यदि आपका मन बार बार विचार जो है काम की तरफ जाता है, सेक्स की तरफ जाता है, क्यों जाता है? क्या जानबूझ के आप ऐसा जाने देते हैं? क्या आप ऐसे लिटरेचर पढ़ते हैं या ऐसी आप वीडियोस देखते हैं जो कि आपकी काम भावना को जगाता है, सेक्स को जगाता है, फिर आप मास्टरबेट करते हैं? ये भी तो हो सकता है कि आप इतने दुखी हैं कि आप सुख की तलाश कर रहे हैं, आप इतने डिप्रेस हैं कि आप कुछ सुख का रास्ता खोज रहे हैं, और आपको लगता है कि आत्मरति करना, आत्ममैथुन करना, मास्टरबेशन करना एक तरीका हो सकता है। बहुत लोगों को जो स्ट्रेस हो जाता है ना, पुरुषों की बात कर रहा हूँ मैं, स्त्रियों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पुरुष होते हैं, मेल्स होते हैं, उनको जब स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है तो या तो वो सेक्स में उतरेंगे, यदि सेक्स करने के लिए पत्नी नहीं है, प्रेमिका नहीं है, कोई लड़की नहीं है, तो वो आत्मरति में, आत्ममैथुन या मास्टरबेट करते हैं। लड़कियों का स्ट्रेस फैक्टर नहीं होता है, लड़कियों का सेक्सुअल डिजायर जो होता है उसकी थ्योरी पूरी अलग है, क्योंकि इमोशन में चलती हैं वो लोग, वो पूरे शरीर से ही आत्मरति का सुख भोगना चाहती है। तो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्ट्रेस के कारण यदि आप इसकी तरफ जा रहे हैं तो स्ट्रेस को कम करने के लिए आपको सूर्य की स्थिति को देखनी पड़ेगी चार्ट में, तो उसमें 3 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। दूसरी बात आती है कि ये जो विचार चलता रहते हैं आपके, उतावलेपन होना कई बार, तो इतने उतावलेपन हो जाते हैं कि आपका मन लगता नहीं है, तो कभी कभी मन को शांत करने के लिए भी आदमी मास्टरबेट करता है। यदि उतावलेपन के कारण में आप अपने आप को शांत करना चाहते हैं, शांत हो नहीं पा रहे हैं, वो आपको लगता है कि मास्टरबेट करने से आप शांत हो जाते हैं, तो आप समझिए कि मंगल और राहु का इशू है, 6 मुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष, ये हो सकता है। यदि आपके चार्ट में शुक्र अच्छा नहीं है तो उसमें होगा क्या कि इट विल लीड टू सेक्सुअल डिसफंक्शन। सेक्सुअल डिसफंक्शन मतलब क्या है कि इरेक्शन में प्रॉब्लम होती है, तो आदमी ये अपने आप को रिसर्च करने लगता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं ये पोर्नोग्राफी देख लेता हूँ, कुछ पढ़ लेता हूँ, कर लेता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि रिएक्ट कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि कल मेरी शादी हो जाए या मेरी प्रेमिका के साथ मैं संभोग मैं उतरूँ, उस समय रिएक्ट ही ना कर पाऊँ तो मेरी हंसी उड़ेगी। तो अपने आप को रीअश्योर करने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं तो फिर मास्टरबेट करने लगते हैं, ये भी होता है। तो ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो कि मास्टरबेट करते हैं, तो ये अलग अलग ग्रहों का खेल भी होता है, ग्रहों का प्रभाव भी होता है, कि जो आदमी इस क्षेत्र में आकाश तत्व में रहता है, जैसे केतु का प्रभाव से जीवन जी रहा है, शनि के प्रभाव से जीवन जी रहा है, बुध के प्रभाव से जीवन जी रहा है, तो उनको ज्यादा ध्यान जो होता है ना, उनको ऊपरी बात पर ध्यान होता है। मास्टरबेशन सेक्स जो है आपका ये लोअर चक्र की चीजें हैं, लोअर चक्र में यदि डिस्टर्बेंस होता है तो इधर ज्यादा मन जाता है। रिसर्च करने वाले रिसर्च में व्यस्त हैं, बड़े बड़े काम करने वाले बड़े बड़े कामों में व्यस्त हैं, पैसे के बारे में सोच रहे हैं, अपने कोर्ट केस के बारे में सोच रहे हैं, अपने बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, प्लानिंग में, उनका ध्यान इस तरफ जाता ही नहीं है, क्योंकि दे आर लिविंग एट ए हायर डायमेंशन। जो वायु तत्व आकाश तत्व में जिंदगी जी रहे हैं उनको इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हार्डली द मास्टरबेट। मास्टरबेट करने वाले कौन होंगे? मणिपुर चक्र में डिस्टर्बेंस जिसका होगा, सहस्र चक्र में जिसका इशू होगा, या मूलाधार चक्र में जिसका इशू होगा, वो लोग ज़्यादातर मास्टरबेट करते हैं। तो आप नेचुरली यदि मास्टरबेशन को रोकना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि इसमें आपका समय जाया करें, आप चाहते हैं कि जो शक्ति है इसको आहरण किया जाए, इसको स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ाया जाए, यही सेक्स एनर्जी को आप अपने कुंडलिनी जागरण में इस्तेमाल करना चाहते हैं या उसको क्रिएटिव एनर्जी में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो फिर आपको ये जो तीनों नीचे के चक्र हैं, पृथ्वी तत्व के चक्र, जो आपका मूलाधार चक्र है, जल तत्व का जो स्वाधिष्ठान चक्र है, अग्नि तत्व का जो मणिपुर चक्र है, इन सभी को बैलेंस करना पड़ेगा, इन्हीं ग्रहों को बैलेंस करना पड़ेगा। यदि आप इस प्रकार चीज़ों से ग्रस्त हैं, मतलब आप मास्टरबेट करके थक चुके हैं, नहीं करना चाहते हैं, तो कुंडली का अध्ययन करवाइए। हमारी वेबसाइट
में डिटेल्स दिए गए हैं। मुझसे आप संपर्क करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा 9845124158। और जो ये आदतें आपके बन चुके हैं मास्टरबेट करना, इससे मुक्त होने का आप रास्ता ढूंढ रहे हैं, अपने जीवन में और क्रिएटिविटी पैदा करना चाहते हैं, सामर्थ्य पैदा करना चाहते हैं, तो मुझसे संपर्क कीजिए और सलाह मशवरा करके उचित रुद्राक्ष पहनिए। अगले वीडियो में और कुछ नई बात लेकर आपको समझ प्रस्तुत होऊंगा मैं। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।